सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। का बेंगलुरु में 4.5 घंटे का रोड शो, लोगों ने फूल बरसाए। 3 बजे बादामी और 5 बजे हावेरी में करेंगे रैली। पीएम ने बेल्लारी में केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की। कहा आतंकी अब बम बारूद के बगैर ही समाज को खोखला कर रहे हैं, कांग्रेस इनकी समर्थक। शरद पवार ने 4 दिन में इस्तीफा वापस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। इस दौरान अजीत पवार मौजूद नहीं रहे। भारत माता मंदिर में अभिषेक शामिल हुए संघ प्रमुख भागवत, बोले अखंड भारत सत्य एवं शाश्वत है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, पार्थ चटर्जी के सहयोगियों के ठिकाने पर सीबीआई छापे, नौकरी का वादा कर वसूलते थे रकम। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले मणिपुर जल रहा है लेकिन वे कर्नाटक में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बजरंग दल विवाद के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी को करारा जवाब, बोले जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में वन कर्मियों के साथ मारपीट, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बीजेपी नेता बीएल संतोष का बड़ा बयान, बोली कांग्रेस जल्दी चरम पर पहुंच गई, हमारा अभियान सही दिशा में जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का शिव कुमार से सवाल, मिसेज वाड्रा को नमाज पढ़ते देखा है, क्या वो मंदिर बनाने देंगी। कश्मीर में 2 जगह आतंकियों से मुठभेड़, राजौरी में 24 घंटे से जारी यहां रुक रुक कर फायरिंग, बारामूला में 1 आतंकी मार गिराया। मोबाइल निर्माताओं के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की। केंद्र सरकार ने कहा मोबाइल में एफएम रेडियो अनिवार्य, इसे डिसेबल नहीं कर सकते। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने पाकिस्तानी एजेंट को खुफिया जानकारी दी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए कांटेक्ट में था, एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। सात मई से एक्टिव हो सकता है साइक्लोन मोचा, मछुआरों को सलाह अगले 4 दिन तक समंदर में न जाए, 8 राज्यों में फसलों पर असर पड़ेगा। गुजरात के सौराष्ट्र में लगातार 3रे दिन जोरदार बरसात, कच्छ जिले में 1 घंटे में 2 इंच बारिश से सड़कें डूबी, उफान पर आई कई नदियां। काशी में पीएम मोदी की मां का पिंडदान, छोटे भाई पंकज ने दशाश्वमेध घाट पर किया अनुष्ठान, 30 सितंबर को हुआ था निधन। सोनभद्र में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर निश्चित हो गया है कि बीजेपी की जीत निश्चित है। सपा ने 2 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया, पार्टी में रहते हुए निकाय चुनाव में अन्य पार्टियों की कर रहे थे दोनों कार्यकर्ता मदद। मथुरा में कम मतदान से परेशान हुए राजनीतिक दल, वार्ड स्तर पर कर रहे आकलन, कम मतदान ने राजनीतिक पंडितों का गड़बड़ाया गणित।
भाजपा ने 13 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। बलिया में बगावत कर अपने प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव। ब्रेन हैमरेज की वजह से बीएचयू वैज्ञानिक की मौत हुई। हाई बीपी से दिमाग की नसें फट गई। दो दिन पहले फ्लैट में मिली थी डेड बॉडी। संजय शेरपुरिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। रिमांड पर तीसरे दिन बदला बयान। कहा उद्योगपति ने रोजगार के लिए दिए थे पैसे। कौशाम्बी में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म। चचेरे भाइयों ने आम के बाग में दिया घटना को अंजाम। एक आरोपी हिरासत में लिया गया। सारनाथ में बुद्ध के उपदेश स्थली पर दीपावली। महात्मा बुद्ध की 2667वीं जयंती पर दीपों से जगमगाया धम्मगेट स्तूप। पीट पीट कर तेंदुए की हत्या। अमरोहा में खेत में घुसे 3 तेंदुए। वन विभाग ने बिछाया जाल। ग्रामीणों की लाठी से 1 की मौत। लड़की पर कमेंट करने पर युवक को अधमरा किया। बीच सड़क 3 लड़कों ने सिर और पैर को कुचला। चेहरे पर चप्पल मारी। यूपी में कोरोना से 34 दिन में 43 मौत। प्रदेश में फिलहाल 1665 संक्रमित। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा प्रभावित। मम्मी पापा सॉरी लिखकर डी फार्मा के छात्र ने किया सुसाइड। कमरे की दीवार पर लिखा मां का ख्याल रखना। पबजी गेम खेलने का था शौकीन। भदोही में 3 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। असलहे के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र की लूट करते थे 1 शिलाबदर भी गिरफ्तार। नोटों की माला पहनकर किया जनसंपर्क। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। हसनपुर में सभासद प्रत्याशी की पीट पीट कर हत्या का मामला। कई थानों के फोर्स में मौजूदगी में निकाली गई अंतिम शव। फेसबुक फ्रेंड ने महिला के साथ किया रेप। अब पति को अश्लील वीडियो दिखाने की दे रहा धमकी। 2 साल पहले हुई थी दोस्ती। स्कूटी और बाइक में जोरदार टक्कर। 2 की मौत। 1 की 4 महीने पहले हुई थी शादी। दूसरे की बहन की शादी 8 मई को थी। सुल्तानपुर में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 7 मिनट में कपड़ा व्यवसायी की बाइक ले उड़ा गए। पुलिस में हुई शिकायत। हापुड़ में हत्या के 3 दोषियों का आजीवन कारावास। गला रेत कर हुई थी युवक की हत्या। कोर्ट ने 32,000 का जुर्माना भी लगाया। दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में युवक पर रिपोर्ट दर्ज। कोर्ट आदेश पर हुई कार्यवाही। रेप का बनाया वीडियो। महिलाओं का वीडियो बनाने का विरोध करने पर मारपीट। लड़कियों का बाल पकड़कर खींचा। 1 घायल। लखनऊ में किसान की सड़क हादसे में मौत। वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। सिपाही के बेटे ने फांसी लगा कर दी जान। मेरठ में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। 5 महीने पहले हुई थी शादी। मां से लड़ाई के बाद पत्नी मायके में गई थी। लखनऊ में 7 पुलिस वालों से ठगी। ट्रांसफर के लिए पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल जालसाजों से मांगे थे लाखों रुपए।
मथुरा में रेलवे ट्रैक में मिला एक किशोर का शव, एक दिन पहले संदिग्ध हालत में हुआ था लापता, परिजन बोले तंत्र मंत्र में की गई है हत्या। संभल के दो नेताओं का बीजेपी से निष्कासन, निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ाने और पार्टी विरोधी काम करने पर कार्रवाई की गई। रायबरेली में स्कॉर्पियो और ट्रक में आमने सामने टक्कर, हादसे में चालक समेत छह घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। सुल्तानपुर में संजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले मोदी और अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। मेरठ में ब्रजभूषण के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन, देहात की महिलाओं ने फूका पुतला, कहा गांव में आया तो चूड़ी भेंट करेंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले बजरंगबली का बहिष्कार और हनुमान भक्तों की आस्था पे चोट करने का कार्य किया है। कांग्रेस सीएम धामी का वार, बोले कांग्रेस को भी हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अवैध कब्जों को लेकर सीएम धामी, सख्त, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रदेश सरकार बेहद कठोरता के साथ करेगी कार्रवाई। उत्तराखंड में 25 लाख के करीब पहुंचा पंजीकरण का आंकड़ा, 4 लाख श्रद्धालु कर चुके चारों धामों के दर्शन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में उत्तराखंड के जवान रोचन सिंह रावत शहीद, क्षेत्र में शोक की लहर। उत्तराखंड में चट्टान तोड़ने के लिए किया विस्फोटक, मलबा आने से नीति गायक, गांव के आसपास बंद हुआ जोशीमठ मलारी हाईवे। शादी में जा रहे परिवार पर मधुमक्खियों ने किया हमला, 2.5 साल के बच्चे की मौत, खाई में मिला मासूम। शीशमबाड़ा प्लांट को लेकर एनजीटी ने बनाई हाई पावर कमेटी, वेस्ट मैनेजमेंट का समाधान तलाशने के निर्देश। केदारनाथ में नहीं चल रहा हेलीकॉप्टर तो पैदल बाबा केदार के धाम पहुंची एक्ट्रेस नंदिनी रॉय, पूरा किया 32 किलोमीटर का सफर। सीएम धामी का कांग्रेस पर तंज, पीएम मोदी के कारण उन्हें करनी पड़ रही है हनुमान चालीसा। छोटा हाथी को बचाने के चक्कर में पलटकर पुल से नीचे गिरी रोडवेज बस, चालक की मौत, 6 यात्री घायल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में घर में घुसकर महिला की निर्मम हत्या, बाथरूम में पड़ा मिला शव, गले में था दुपट्टे का फंदा। उत्तराखंड में हेमखंड जोन से रस्सी के सहारे रास्ता पार करे श्रद्धालु, शुक्रवार को 18,230 ने किए दर्शन। बेमौसम बारिश से मेहनत पर फेरा पानी, गेहूं की बर्बाद हुई फसल देकर आंखों से छलका महिला का दर्द। नशा और एचआईवी मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए जल्द शुरू होगा अभियान, प्रदेश भर में जोड़े जाएंगे युवा। कोविड अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं, डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा है एक साल से इसके केस घटते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन इसकी बड़ी वजह।
यूक्रेनी सांसद ने रूसी डिप्लोमेट को मारा घूसा। तुर्की में चल रही थी बैठक, रूसी मेंबर ने यूक्रेन का झंडा फेंका था। सर्बिया में फायरिंग, 8 की मौत। 21 साल के हमलावर ने ऑटोमेटिक गन से हमला किया, 2 दिन बाद दूसरी घटना। एआई को लेकर टेक कंपनियों के सीईओ से मिले बाइडेन, कंपनियों से प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर करने को कहा, चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी किया। पहली बार गर्भ में बच्ची के ब्रेन की सफल सर्जरी, 10 डॉक्टर की टीम ने 2 घंटे किया ऑपरेशन, 2 दिन बाद पैदा हुआ मासूम। पंडित डायना की लोकप्रियता से जलते थे किंग चार्ल्स, शादीशुदा महिला कैमिला से प्यार किया, पिता से ज्यादा माउंटबेटन के करीब रहे। बिलावल का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान से इनसिक्योर भारत, कहा बीजेपी आरएसएस हर मुस्लिम को आतंकवाद मानते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले भारत को अपने डायस्पोरा पर गर्व। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को दी अहम जिम्मेदारी, बनी पहली एशियाई अमेरिकी। तोशाखाना मामले में अदालत 10 मई को इमरान खान के खिलाफ तय करेगी आरोप, व्यक्तिगत पेशे की आदेश। गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स 12 मई तक सस्पेंड, लीज पर प्लेन देने वाले ने एक दिन पहले वापस मांगे थे 23 एयरक्राफ्ट। जेट एयरवेज के फाउंडर के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, 538 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला। एमजी ने कॉमेट ईवी के वेरिएंट वाइज प्राइस रिवील के, टॉप वेरिएंट की कीमत 9.98 लाख रुपए, 22 मई को पहली डिलीवरी। ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने 251 कर्मचारियों को निकाला, फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने और खर्चों में कटौती करने के लिए फैसला लिया गया। गूगल का पहला फोल्डेबल फोन अनरेबल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, कीमत 1.55 लाख रुपए हो सकती है। भारत में एआई इंजीनियर्स की 51% पोस्ट खाली, डिमांड बढ़ने के चलते डबल सैलरी ऑफर कर रही ग्लोबल कंपनियां। ट्विटर की नई पॉलिसी, हेट कंटेंट हटेगा नहीं, उस पर ठप्पा लगेगा, हेट कारोबारी स्पेलिंग की गलतियों से फिल्टरों को चकमा दे रहे थे। ₹25,000 सस्ती हुई हीरो वीडा, सरकार के नोटिस के बाद पुराने कस्टमर को चार्जर के पैसे भी लौटाएगी कंपनी। देश में वाहनों की बिक्री में 4% की गिरावट, अप्रैल 2023 में 17.24 लाख वाहन बिके, एमिशन नॉर्म्स की वजह से कम हुई सेल्स। निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने लिए 9 कंपनियों से मिले प्रस्ताव, पहला चरण 2028 तक होगा पूरा। चोपड़ा ने डायमंड लीग में जीता दूसरा गोल्ड, पहले प्रयास में 88.67 मीटर भाला फेंका। राहुल आईपीएल 16 से बाहर, डब्ल्यूटीसी फाइनल नहीं खेलेंगे, कप्तान की जगह लखनऊ सुपर जायंट्स ने करुण नायर को अपने साथ जोड़ा।
गुजरात की सीजन में सातवीं जीत, राजस्थान को उसी के होम ग्राउंड में 9 विकेट से हराया। साहा, गिल और पांड्या ने बनाए रन। दिन बाद बिना बैसाखी के चलते दिखे पंत, स्टिक फेंकी और चलने लगे ऋषभ। बैकग्राउंड में बजा केजीएफ का थीम सॉन्ग। फतेहाबाद में कुश्ती संघ पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा, प्रधान सचिव बोले खिलाड़ियों के दुर्दशा बर्दाश्त नहीं। वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच अहमदाबाद में खेला जा सकता है। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। मेजबानी के लिए 12 शहर शॉर्टलिस्ट। वनडे रैंकिंग में भारत से आगे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को चौथा वनडे हराकर हासिल किया पहला पायदान। लखनऊ ने किया केएल राहुल के रिप्लेसमेंट का ऐलान। करुण नायर को केएल राहुल की जगह लखनऊ के स्क्वाड में मिली जगह। गांधीनगर की गलियों में बच्चों संग क्रिकेट खेलते दिखे राशिद खान, वीडियो हुआ वायरल। बाबा ने विराट कोहली और विव रिचर्ड्स को छोड़ा पीछे, बने सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। जहेओ एक्ट्रेस डेजी शाह करेंगी टीवी पर डेब्यू। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी में बतौर पार्टिसिपेंट आएंगे नजर। राजकुमार संतोषी का बड़ा बयान, बोले सलमान आमिर नहीं कर पाए थे प्रमोशन, लोगों को उस वक्त फिल्म समझ नहीं आई। बांग्लादेश में 12 मई को रिलीज होगी पठान। बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार रिलीज हो रही है कोई हिंदी फिल्म। आर्या टीम के लिए सुष्मिता शेन सीख रहे तलवारबाजी, ट्रेनर के साथ शेयर किया प्रैक्टिस का वीडियो। फैंस ने की दमदार एक्शन की तारीफ। सलमान शाहरुख के एक्शन सीक्वेंस के लिए 35 करोड़ का सेट टाइगर 3 में, हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस प्लान करने की तैयारी। स्टाइलिश एथनिक लुक में एयरपोर्ट पर दिखी यामी गौतम, सिंपल कुर्ती के साथ स्टाइल किया पेटेंट दुपट्टा, मुस्कुराते हुए पेपरोजी को पोज दिए। पंद्रह साल बाद गजनी का सीक्वल बनाना चाहते हैं आमिर, अल्लू अर्जुन के पिता से चल रही है बातचीत। लाल सिंह चड्ढा के बाद कमबैक का इरादा। केरल स्टोरी पर कंगना का बड़ा बयान, बोली आप समझते हैं आईएसआईएस आतंकी नहीं तो आप भी आतंकी हैं। संगीत को पहला प्यार मानते हैं आयुष्मान खुराना, बोले फिल्मों के बिना रह सकता हूं लेकिन संगीत के बिना नहीं। शार्क टैंक इंडिया की पॉपुलैरिटी पर बोले अमन गुप्ता, सास बहू सीरियल से ज्यादा देखा जा रहा है बिजनेस शो। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।